नमस्कार, शंखनाद न्यूज चॅनलच्या बातमीपत्रात आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. सुरुवातीला पाहणार आहोत मुख्य बातम्या. थंडीच्या दिवसात आस पडोसचे शेजारी मिळून काहीतरी विशेष करण्याचा विचार करत ऑर्बिटल अंपायर रेसिडेन्शियल असोसिएशनच्या वतीने ऑर्बिटल अँड प्लॅटिनम लाइटिंग क्रिकेट लीग 2023-24 रात्रकालीन क्रिकेट टूर्नामेंटचं आयोजन जयतळा परिसरात करण्यात आलं. क्रिकेट खेळाचे सर्व नियम पाळून जयतळा परिसराच्या काही सोसायटीमधील रहिवाशांनी 12 टीम तयार करून अत्यंत सुंदर असं आयोजन केलं होतं. या आयोजनात प्रमुख अतिथी म्हणून सुरेश भाऊ गुडघे पाटील, प्रफुल भाऊ गुडघे पाटील आणि अतुल भाऊ गुडघे पाटील यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. ऑर्बिटल एम्पायर रेसिडेन्शियल असोसिएशननी अत्यंत सुंदर असं क्रिकेटचं टुर्नामेंट आयोजित केलेलं आहे. ते विशेष म्हणजे पूर्ण क्रिकेटचे नियम पाळून आणि त्याचा आयोजनाचा जो दर्जा आहे अत्यंत सुंदर आहे. रात्रकालीन टुर्नामेंट आहे आणि त्यामध्ये सर्व ह्या भागातल्या रहिवाशांनी 10-12 टीम्सनी सहभाग घेत त्याचा खेळाचं प्रदर्शन केलेलं आहे आणि अत्यंत सुंदर आयोजन झालेलं आहे आणि पोरंसुद्धा इथे चांगल्या दर्जाचं खेळसुद्धा इथे खेळताना आपण बघतो आहे. मला असं वाटतं की अशा पद्धतीच्या टुर्नामेंटच्या माध्यमातून लोकांमध्ये एकोपा निर्माण होतो, बंधुचारा निर्माण भाईचारा निर्माण होतो आणि एक नेतृत्व गुणसुद्धा अशा टुर्नामेंटच्या माध्यमातून उदयास येत असते. मी खरोखरच ह्या सर्व आयोजकांना ज्यांनी प्रचंड मेहनत घेऊन ही टुर्नामेंट यशस्वी पूर्ण केली त्या सर्व आयोजकांना मी या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. सबसे पहले तो बहुत अच्छा खुशी का वातावरण है क्योंकि हमारी टीम में आप देख सकते हैं कि छोटे से लेके बड़े प्लेयर तक है. जैसे हमारे सबसे छोटा प्लेयर की उम्र है 11 साल सार्थक, और हमारे उनके ही पिताजी भी हमारी टीम में आशुतोष मामा जो 46 ईयर्स के हैं. हमारा एक कॉम्बिनेशन ऑफ टीम है कि हम लोग यूथ को ज़्यादा डेवलप करते हैं. आप देख सकते हैं कि हमारी टीम में ज़्यादातर यंगस्टर है जो 10वीं 12वीं ऐसे है. और पहले हम लोग को जैसे पता चला कि टूर्नामेंट है तो हम लोगों ने एक टीम मीटिंग बुलाई कि हम लोग कर सकते हैं, तो सब लोग तैयार थे. बिजी शेड्यूल था बच्चों का भी, 10th का एग्ज़ाम है, 12th का एग्ज़ाम है, फिर भी बोले कि भैया नहीं हम लोग खेलेंगे. तो उनका जोश काफ़ी ये था तो उससे हम लोग को मोटिवेशन मिला और सभी लोगों का अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है टीम में, तो उसी की वजह से हम लोग जीत पाए. जीत का जश्न तो बट ऑब्वियस है, बच्चों को सबसे पहले कुछ ना कुछ मोटिवेट करेंगे, जैसे कि उनको कुछ ना कुछ खिलाने ले जाएंगे. बच्चों को खिलाने के लिए एक्चुअली उनको वही चीज़ का आनंद रहता है बच्चों को कि हमको कुछ अच्छा खाने मिले, बाहर जाके थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो, तो बस वही करके उनको एक रिफ्रेशिंग पार्टी देंगे. या डेफिनेटली उद्देश्य ये है सर कि यहाँ पे जो सोसाइटी है, यहाँ पे ऑर्बिटल एम्पायर, प्लैटिनम ग्रीन, आकाश स्टेट, ये ऐसी सोसाइटीज़ है. तो इस सोसाइटी से हम लोग हर रोज़ क्रिकेट खेलते हैं सवेरे. सो हमने ये मन में लाया कि क्यों ना हम लोग, अभी ये ठंड का मौसम है और क्रिसमस की छुट्टियाँ होती है, तो क्यों ना हम लोग इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज़ करें जिसमें नाइस टूर्नामेंट में हम लोग युवा खिलाड़ी हो, चाहे एज वाले लोग हो, चाहे बच्चे हो, इन सभी का हमने एक जगह पे गैदरिंग हो, एक जगह पे एक अच्छा वातावरण सोसाइटी में रहे और निरोगी जीवन सभी का रहे, उस प्रोस्पेक्टिव से हमने ये टूर्नामेंट का आयोजन किया जो कि 26 तारीख को शुरू हुआ था और आज उसका समापन होने जा रहा है 4 तारीख को. टोटल 12 टीम्स आई थी इसमें, 12 टीम के तहत 30 से 32 मैचेस हुई और अभी ये जो मैच चल रहा है ये फाइनल मैच चल रहा है. प्रतिसाद बहुत अच्छा रहा सर. अगर मैं बताऊँ कि हमारी ये जो संकल्पना थी जब हमने ये मन में लाई, सोसाइटी के जितने भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी हमारे सीनियर्स लोग हैं, जैसे आपको पता है ये सोसाइटी हमारी श्री सुरेश भाऊ गुड़दे पाटिल, श्री प्रफुल भाऊ गुड़दे पाटिल, श्री अतुल भाऊ गुड़दे पाटिल, इनकी ये सोसाइटी है. तो सबसे पहले हमें ये संकल्पना उनके सामने रखी और उन तीनों ने हमें इतना अच्छा प्रतिसाद दिया कि उन्होंने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स हमारे एकता के लिए, हमारे युवा वर्गों के लिए और हमारे एक फैमिली के लिए ये प्रोग्राम होने चाहिए. उन्होंने तुरंत हमें प्रतिसाद दिया. जैसे उन्होंने प्रतिसाद दिया वैसे हमें स्पॉन्सर्स जो है, हमारे सोसाइटी के जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, उन बिजनेसमैन लोगों ने हमें फंडिंग की, स्पॉन्सरशिप दी और उस स्पॉन्सरशिप के तहत हमने ये प्रोग्राम आज अरेंज किया है. रात्रकालीन क्रिकेट टूर्नामेंटमध्ये परिसरातील ऑर्बिटल अंपायर, प्लॅटिनम ग्रीन आणि आकाश इस्टेट सारख्या सोसायटीमध्ये मॅच खेळली गेली. यामध्ये अनेकांनी आपली उपस्थिती दर्शवलेली आहे. तर हे होतं आजचं बातमीपत्र. पुन्हा भेटूयात पुढच्या बातमीपत्रात. नमस्कार. सत्याहत्तर वर्षापासून आयुर्वेद सेवेत असलेली शिवशंकर आयुर्वेदिक एजन्सी अनुभवी वैद्य डॉक्टरांद्वारे जटिल हिरण रोगांवर विशेषतः आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध आहे. सर्व नावाजलेल्या कंपन्यांची औषधं आणि सर्व प्रकारची जडीबुटी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठीही अनेक प्रकारची औषधं मिळवण्याचे एकमेव विश्वसनीय स्थान. आमच्या इथे सगळ्या प्रतिष्ठित कंपन्यांचे औषधी उपलब्ध आहे. मग वाट कोणाची बघताय? आत्ताच भेट द्या शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक. आमचा पत्ता आहे योग कॉम्प्लेक्स डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटलच्या समोर महाजन मार्केट जवळ,
टेम्पल बाजार रोड सीताबर्डी नागपूर। संपर्क साधा 86 05 24 50 80। लँडलाईन नंबर 07 12 25 67 74 7।